हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई एम बैट इन दिस वीडियो शालिनी मैम विल ब्रिंग एक्शन सॉन्ग फॉर यू ऑल अभी आपकी कुछ इंग्लिश टाइम्स रिविजन के लिए बची हुई हैं बट फॉर अ चेंज मैम आपके लिए एक्शन सॉन्ग का रिविजन लेके आई हैं क्योंकि जैसे हमारा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे है ना आपके ओके okay? क्योंकि मैम एग्जाम लेंगी तो डेफिनेटली मैम भी उसके लिए प्रिपेयर रहेंगी ना तो मैम और आप साथ में मिल एग्जाम दोगे राइट तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू एक्शन सॉन्ग्स रिविजन ऑफ एक्शन एक्शन सॉन्ग्स ओके सो हमारे एक्शन सॉन्ग्स तो बस हिंदी के दो हैं एक है एक मोटा हाथी झूम के चला और सेकंड वन सेकंड वाला कौन सा है हमारा सेकंड वाला कौन सा है लकड़ी की काठी राइट तो आपको तो पता है है ना अच्छा अरे मैम ने देखो स्वेटर पहना हुआ है ना जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड इज गोइंग ऑन विंटर इज गोइंग ऑन तो बहुत ही ज्यादा फ्रीजी और बहुत ही ज्यादा कोल्ड फील होता है ना ऐसे आप भी घर में हैं बट विंटर है तो आपको वुलन क्लॉथ्स पहनने हैं कैप पहननी है और ज़्यादा ठंड हो तो ग्लव्स वगैरह जो आपकी ममा बोलती हैं वो सारी बात आपको मानिए, है जैकेट पहन के रहना इज़ दैट क्लियर सबको समझ में आया शाली मैम की बात Yes? हाँ तो आपको पता है मैम के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एक्शन सॉन्ग का रिविज़न जो कि है एक मोटा हाथी झूम के चला राइट चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी के जाल में जा के फंसा, जाल को देखा देख के डरा दूसरे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया अभी दो मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में जा के फसे जाल को देखा देख के डरे तीसरे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधर इधरा न भूल जाते हो और आप बताते भी नहीं हो, okay? ओके? अभी तीन मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में जाग के फसे जाल को देखा देखे डर चौथे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा 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 चार मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में जा के जाल को देखा देख के डरे पांचवे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा 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 अभी पांच मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल को तोड़ के चले मकड़ी के जाल को तोड़ के चले ठीक है नाउ वन मोर टाइम ठीक है क्योंकि अभी सबको ऑलमोस्ट लर्न हो गया है अब तो एग्जाम होने वाले हैं तो आप तो ये भी नहीं आप कह सकते हो कि नहीं नहीं मैम ये नहीं मुझे आता वो नहीं आता अभी तो मैम ने इनफ प्रैक्टिस भी आपको कराई है थ्रू वीडियोस और आपको रिवीजन भी बहुत प्रॉपर हो रहे हैं ऐसा नहीं है तो अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आना चाहिए चलिए वन मोर टाइम नाउ सिंग विद मी मैम के साथ आप अपना एक्शन सॉन्ग रिपीटेशन करेंगे इज दैट क्लियर एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी के जाल में जा के फसा जाल को देखा देख के डरा दूसरे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा 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 दो मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में जाके फसे जाल को देखा देख के डरे तीसरे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा 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 तीन मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में जा के जाल को देखा देख के डरे चौथे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधर 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 चार मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में जाके फसे जाल को देखा देख के डरे पांचवे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया इधर 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 पांच मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल को तोड़ के चले मकड़ी के जाल को तोड़ के चले मकड़ी के जाल को तोड़ के चले अभी विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम अपनी सेकेंड एक्शन सॉन्ग का रिविजन करेंगे तो जैसा मैं आपको पहले कराती हूँ फर्स्ट थोड़ा सा स्लो देन मैम के साथ में सिंगिंग करेंगे है ना प्रॉपर रिदमिक वे में जैसे रैम रजिस्ट्रेशन करते हैं एक्शन सॉन्ग जैसे हम रिपीट करते हैं ओके सो स्टार्ट लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा पहुंचा चौक में चौक में था और घोड़े जी की नाई ने हजामत वो तगबक टकबक घोड़ा पहुँचा चौक में चौक में था घोड़े जी की नाई ने हजामत वो बनाई दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठाके दौड़ा फिर लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा फिर नेक्स्ट घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी अगेन घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी टकबक टकबक लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की जरा थोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम के दौड़ा 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 घोड़ा दूम के दौड़ा नाउ वन मोर टाइम लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा है थोड़ा थोड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा तो चा चौक में चौक में था नाई घोड़े जी की नाई ने हजामत वो बनाई घोड़ा पहुंचा चौक में चौक में था नाई घोड़े जी की नाई ने वो बनाई टकबक 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 बग टकबक दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा था मंडी पहुंचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी टकबक 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 घोड़ा था घ मंडी पहुंचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी टकबक 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 फिर लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा नाउ आपकी दोनों एक्शन सॉन्ग का रिवीजन हो गया है आप ये वीडियो अच्छे से फॉलो करिएगा अच्छे से देखिएगा और आपका जो भी डाउट है वो उसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि आप टाइम कम है और मेहनत हमको बहुत ज़्यादा करनी है है ना फॉर यू अपने रिटर्न एग्जाम के लिए भी आपके ओके और ओरल एग्ज़ाम के लिए भी कहीं भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप चीटिंग करेंगे या आप किसी से पूछेंगे आपको ज़रूरत ही नहीं है अगर आप सारे टीचर्स के एजुकेशनल वीडियोस फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं तो आपको किसी से पूछने की डरने की या चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे टीचर्स आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपका क्या तरीका होना चाहिए जिससे आप उसको अच्छी तरह से डिलीवर भी कर सकें जिससे आप अच्छी तरह से अपने रिटर्न एग्जाम्स और ओरल एग्जाम्स दे सके ओके सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट सो बी रेडी एज यू ऑल आर वेरी गुड जैसे कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपके क्वेरी क्लासेस में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है आराम से है ना आपके ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं और आपकी पीटीएम होती है जो है ना वर्चुअल पीटीएम है आप उसमें पूछ सकते हो क्योंकि मैम उसमें तो वन टू वन कॉल करते हैं आप सबको है ना तो आपके लिए सारी फैसिलिटीज आपके मैनेजमेंट ने स्कूल ने सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल कराई हैं तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए ठीक है और वैसे भी अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा और आप स्कूल आएंगे है ना सो एवरी वन एज आई एम ऑलवेज से बिकॉज प्रेयर से इफेक्टिव इस वक्त कुछ भी नहीं है आप जिन भी ईश्वर की पूजा करते हो जिन भगवान की पूजा करते हो आप उनकी बहुत मॉर्निंग में इवनिंग में प्रेयर करिए एटलीस्ट टू टू मिनट्स फाइव फाइव मिनट्स ओके विद योर पेरेंट्स और फॉर योर पेरेंट्स फॉर योर सेल्फ फॉर योर टीचर्स फॉर योर इंस्टीट्यूट फॉर योर प्रिंसिपल मैनेजमेंट सभी के लिए आप वो दो मिनट पाँच मिनट जो भगवान जी को देते हैं उसमें आप प्रेयर करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए जब हमारे चारों तरफ खुशहाली होती है तब हमको भी अच्छा लगता है है ना जैसे देखिए आपके चारों तरफ कोरोना का प्रॉब्लम आया तो आप भी उससे इफेक्ट किए ना वैसे भगवान से मनाइए कि आप खुश रहें और सब खुश रहें ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे ओके फॉर विद दिस विश स्टे एट होम स्टे सेफ टिल नेक्स्ट वीडियो बाय सी यू